हेलो एवरीवन, हम आपका स्टार्ट करते हैं अमेजिंग ट्रिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं जो आपके कैलकुलेशन को क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करती हैं, एबिलिटी को फास्ट करती हैं। तो इन सारे ट्रिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और इनसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं भैया मेरे, देखो सवाल बिल्कुल आते हैं, और आपको सवाल सॉल्विंग स्पीड जो होती है तेज़ हो जाती है इससे। ओके, तो ये देखिए, ये सवाल है जिसमें आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स याद होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ का आपको क्या होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का आपको रफली आइडिया होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए पहली चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका आना चाहिए कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। सेकेंडों में निकालने का तरीका होता है एटॉमिक नंबर। और तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का हम कैसे लिखते हैं। तो तीनों चीज इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जेई वाला जब क्वेश्चन पूछता है तो सारी आत्मा निकाल लेता है। ओके, और हर साल देखिए जेई ये नेट में भी आया है, नेट में तो सीधे आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ पूछा है। ठीक, 2017 नेट में आया, और ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है 2016 नेट में आया, और साथ ही साथ इस साल जो जनवरी वाला जेई मेन 2020 जो हुआ उसमें सेम यही क्वेश्चन आया, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक्स हैं, कि पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका आना चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी विद इन अ 10 सेकेंड लिखना आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इन तीनों चीज़ पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको पीरियोडिक टेबल लर्निंग ट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम करते हैं कि एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड 15th ग्रुप। तो फोर्थ पीरियड और 15th ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है भैया, ये आपको तभी पता लगा जब आपको पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स याद हो। तो पहले पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स बता लेने दीजिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। ये तो जस्ट आपको दिखाया कि क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका एस ब्लॉक से। ठीक है, एस ब्लॉक से देखिए, हलीना एक लड़की का नाम है, हलीना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंकियम। ओके, यहाँ पे देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर स्ट्रॉन्शियम बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। ओके, तो ये आपका एस ब्लॉक का दोनों में निमोनिक्स होता है, हलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, याद कैसे होगा आपको कि आप निमोनिक्स पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद निमोनिक्स को देख देख के ऐसे ऐसे करके 2-3 बार लिखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। ओके, अब एस ब्लॉक हो गया, अब देखते हैं पी ब्लॉक का। ठीक है, सबसे ज़्यादा एस और पी की ही ज़रूरत पड़ती है, पी ब्लॉक का देखते हैं। पी ब्लॉक में शुरुआत कहाँ से होता है, बोरोन फैमिली से। तो बोरोन फैमिली से स्टार्ट करते हैं, देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ओके, उसके बाद आ जाइए कार्बन फैमिली, कासी। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन के मिला के कासी हो गया, कासी गए शंकर प्रभु। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कासी गए शंकर प्रभु। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा। ओके, ऐसे देखिए, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ओके, ऐसे भी बोलते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, अब आ जाइए आपकी ऑक्सीजन फैमिली, ओ सावधानी से टी पो। ठीक है, एक मतलब दोस्त था जो एग्जामिनेशन हॉल में नकल कर रहा था, तो उसका दोस्त दूसरा दोस्त वो क्या बोल रहा है, ओ सावधानी से टीपो। ठीक है, ओ सावधानी से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली का हो गया। अब आ जाइए हेलोजन फैमिली में, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, फिर कल बाहर आई आरती, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन एस्टेटिन। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, नोबल गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस का आपको एटॉमिक नंबर याद, देखिए नोबल गैस याद होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, इस इन्हीं की हेल्प से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, हे नीरज आओ करे एक्स रे,
हे नीरज आओ करें एक्सरे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन। ठीक है, तो इनका आप एक बात ध्यान में रखिए कि इनका आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, ठीक है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, ठीक है, ज़ेनॉन का 54 होता है, और इसका क्या होता है, रेडॉन का 86 होता है। पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले इनका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ता है, और दूसरी बात, इनका सेल नंबर एन की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। तो ये एन इज इक्वल्स टू 1 होता है, एन इज इक्वल्स टू 2 होता है, मतलब पीरियड नंबर, इसका एन इक्वल्स टू 3 होता है, इसका एन इक्वल्स टू 4 होता है। यहाँ पे देखिए ज़ेनॉन में 5 आ रहा है, तो एन इज इक्वल्स टू इसका सेल नंबर 5 होता है, और रेडॉन में 6 आ रहा है देखिए, तो एन इज इक्वल्स टू 6 होता है। तो इनका मैक्सिमम इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, ये तो सबको याद ही रहता है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। ठीक, तो एस ब्लॉक का निमोनिक्स याद रखिए, पी ब्लॉक का निमोनिक्स याद रखिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप किसी का भी लिख सकते हैं, मैं गारंटेड वादा कर रहा हूँ आपको ये दो चीज़ें पता है, विद इन अ 5 सेकेंड लिखवा दूंगा, विद इन अ 5 सेकेंड। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि नोबल गैसों के नाम याद, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, और उनका सेल नंबर याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर याद रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख लेंगे। तो इस लेक्चर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का निमोनिक्स रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में डी और एफ का बता के, ठीक है, डी और एफ का बताऊँगा। ओके।